गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एन एफ फिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम. दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ आर लिम्फैटिक सिस्टम इन विच वी विल स्टडी अबाउट द अबाउट सम टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस एंड ऑल रिमेनिंग पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूज लिम्फैटिक टिश्यू. देखिए हमने अपनी लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कॉर्टेक्स, मेड्यूला वाली, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेस कैपिलरी, ट्रंक वगैरह. अब लिम्फैटिक टिश्यू जो डिफ्यूज़ होता है तो ये कभी भी कैप्सूल में एनक्लोज नहीं होता. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसमें लिम्फैटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं. ये लगभग हमारे सभी ऑर्गन के अंदर ये फैला हुआ रहता है. थोड़ा बहुत स्पेशली हमारी बॉडी की जो लाइन ट्रैक्ट्स है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं. अब आइसोलेटेड लिम्फैटिक नोड्यूल्स जिसमें अपन बी सेल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये ओवल शेप की लिम्फैटिक टिश्यू में कंसंट्रेशंस होती है, मोस्टली सिंगल, छोटी और बिखरी हुई होती हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन की लेमिना प्रोप्रिया में ये स्कैटर्ड रहती है. कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन? GIT की, रेस्पिरेटरी की, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन की लेमिना प्रोप्रिया में ये लिम्फैटिक नोड्यूल्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहती हैं. जब कभी भी कोई एंटीजन आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में, क्योंकि लिम्फैटिक नोड्यूल से ही बन रहे हैं. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पढ़ा है ना आपने, तो जैसे कोई एंटीजन आता है तो ये उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा सेल्स वगैरह में डिफरेंशिएट होकर के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी. प्लाज्मा सेल्स IgA एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती है जो कि हमारे को बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ट्रैक के ल्यूमन में बनते हैं, कोई एंटीबॉडी आई और कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो ऐसा होता है. ये GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती है, जैसे टॉन्सिल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम जैसे पियर्स पैचेस में और अपेंडिक्स के अंदर पाई जाती है. अब टॉन्सिल्स में हम कह रहे हैं तो लार्ज लिम्फैटिक नोड्यूल्स का यहाँ पर एग्रीगेशन होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं. ये फेरिंग्स और ओरल कैविटी की एपिथीलियम के नीचे लोकेटेड होते हैं, नेजल और ओरल कैविटी को प्रोटेक्ट करते हैं. तीन तरह के टॉन्सिल्स होते हैं, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी. तीनों के तीनों टॉन्सिल्स मैंने आपको बताए थे. ये देखो मुंह के अंदर दिखाए गए हैं टॉन्सिल्स, थोड़े डार्क कलर के एरियाज में फेरेंजियल, पैलेटाइन जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, फेरेंजियल ऊपर और नीचे, लिंगुइनल लिखा हुआ है, लिंगुइनल टॉन्सिल है ये, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग. नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल को अपन एडिनोइड्स कहते हैं, नाम याद कर लीजिए क्योंकि आगे सब्जेक्ट एडिनोइड्स ही पढ़ेंगे हम. ये नोज के पीछे होते हैं, फेरिंग्स की पोस्टरियर वॉल की रूफ ऊपर, नेजल कैविटी की पोस्टीरियर ओपनिंग में ये दिखाई दे रहे होते हैं. पैलेटाइन टॉन्सिल्स को अपन टॉन्सिल्स कहते हैं, सिंपल. ये माउथ के बैक रीजन में फेरिंग से लेटरल वॉल पे होते हैं. इनको अपन रिमूव कर देते थे उस कंडीशन, उस प्रोसेस को अपन, उस मेथड को अपन टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं. और लिंगुअल टॉन्सिल टंग की बेस में होते हैं, ये हमारे को बाहर की चीज़ से फर्स्ट लाइन का डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन है, ये अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में पाया जाता है, स्टमक और डायफ्राम के फंडस के बीच में. 5 से 6 इंच लंबा, 2 से 3 इंच चौड़ी होती है, लार्ज लिम्फ नोड के जैसी दिखाई देती है और ब्लड को फिल्टर करती है. ये स्प्लीन दिखाई गई है, इसको बाईफर्केट करके दिखाया गया है कि इसमें स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन होती है. ये हाइलस रीजन है, ये आर्टेरियोल्स, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज आर्टरी, छोटी ब्रांचेज आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं जो स्प्लीनिक आर्टरी नीचे से जा रही है. स्प्लीनिक वेन जा रही है उसके पास में, देखो आर्टरी के पास में, सेंट्रल आर्टरी के पास वाइट पल्प, रेड पल्प, वाइट पल्प के चारों तरफ रेड पल्प दिखाया गया है. ये वीनस साइनसेस है, स्प्लीनिक कॉर्ड हैं, ट्रैबिक्यूली जो अपन ने पढ़ी थी और कैप्स्यूल की कवरिंग. स्प्लीन के स्ट्रक्चर में कैप्स्यूल होता है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, कवर किए रखता है. हाइलम मीडियल सरफेस पे जो डिप्रेशन है उसको हाइलम कहते हैं. इसमें नर्व्स और आर्टरीज होते हैं जो स्प्लीन में जाती हैं, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल से एग्जिट होती हैं इसमें से.
नर्व्स और आर्टरीज तो एंटर स्प्लीन, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स एग्जिट, ये निकलती हुई है स्ट्रक्चर। इसमें ट्रैबिक्यूली होती है, कैप्सूल का एक्सटेंशन है, और स्प्लीन में पार्टीशन बनाती है ये ट्रैबिक्यूली। पल्प टिश्यू के अंदर पाया जाता है, रेड और वाइट पार्ट में डिवाइड होता है। वाइट पल्प लिम्फेटिक टिश्यू का बना होता है, जिसमें मोस्टली लिम्फोसाइट्स अरेंज रहती है सेंट्रल आर्टरीज के चारों तरफ। रेड पल्प वीनस साइनसेस से बना होता है, जिसमें ब्लड भरा हुआ रहता है। स्प्लीनिक टिश्यू का कॉर्ड होता है, जिसमें आरबीसी, मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और ग्रैन्युलोसाइट्स पाई जाती हैं। स्प्लीन का फंक्शन क्या है भाई, बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज करना, अगर कोई वहाँ बैक्टीरिया आ गया है, हमारी बॉडी को वार्न करना, आरबीसी और डैमेज, आरबीसी और प्लेटलेट्स को डैमेज करना, मतलब आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह उन सबको ये डैमेज कर देता, कोई भी ऐसे नुकसान वहाँ पे हो रहा हो तो। आप जानते हो ना स्प्लीन को तो अपन ग्रेवयार्ड कहते हैं, क्योंकि आरबीसी सारी मर मर के एसी के अंदर जा जा कर गिरती हैं, तो आरबीसी प्लेटलेट्स को डैमेज करने का काम भी ये करता है। इसमें आरबीसी जो है स्टोर्स और रिलीज होती है ब्लड इन टाइम्स ऑफ डिमांड, ये ब्लड को स्टोर भी करता है, रिलीज पर भी करता है टाइम की डिमांड के हिसाब से, जैसे हैमरेज वगैरह के केसेस में। मेन फंक्शन क्या है इसका, इम्यूनिटी देता है, जहाँ पर बी सेल प्रोलिफरेशन हो रहा होता है प्लाज्मा सेल के अंदर, डिफरेंशिएट होते हैं ना बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और जो सेल्स मेमोरी सेल्स हैं उसके अंदर डिफरेंशिएट होती है, तो वहाँ वो इसका फंक्शन है। ये लिम्फ को फिल्टर नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई एफरेंट लिम्फैटिक वेसल या लिम्फोसाइनस नहीं होते हैं। ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया गया है भाई फर्स्ट पार्ट में। ये क्या चीज़ दिखाई गई है, ये मैक्रोफाज है, ठीक है। सबसे पहला माइक्रोब कोई भी या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, जैसे उसको देखा तो इसने अपनी शेप चेंज कर ली और इसको ऐसे मुंह खोल करके अपने अंदर ले लिया, तो कीमोटैक्सिस यानी केमिकल के थ्रू ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है। कीमोटैक्सिस एंड एडहेरेंस ऑफ माइक्रो टू फैगोसाइट, माइक्रोब आकर के यहाँ पे चिपक गया। अब माइक्रोब को इसने इंजेस्ट कर लिया फैगोसाइट के द्वारा, फैगोसाइट करना मतलब अंदर ले लेना, इसने ले लिया। थर्ड में फैगोसोम दिखाया गया, फैगोसाइट वेसिकल बन चुका है उसके चारों तरफ, फैगोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथे में फैगोसोम फ्यूज हो रहा है लिम्फोसोम के साथ में और फैगोलाइसोसोम बन रहा है। ये देखो ये यहाँ लाइसोसोम आया, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर हैं और ये इस फैगोसोम के साथ में जुड़ के फैगोलाइसोसोम बना लिया। फिफ्थ पार्ट के अंदर एंजाइम के थ्रू डाइजेशन हो जाता है और उस माइक्रोब को इंजेस्ट कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ये दिखाया गया पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है इस माइक्रोब का। यहाँ रेजिडुअल बॉडी बन गई, जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है उसको फिर बाहर फेंक दिया जाता है। रेजिडुअल बॉडी बनने के बाद इनडाइजेस्टेबल मटेरियल इस रेजिडुअल बॉडी में है, जिसको वेस्ट मटेरियल को, ये वेस्ट ही है अब कोई काम का नहीं, क्योंकि हमने तो काम की चीज़ को तो फैगोसाइटोसिस कर लिया, अब बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थाइमस ग्लैंड, दो लोब्ड का ऑर्गन होता है, आपके ट्रेकिया के अलोंग चेस्ट के अपर पार्ट में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर रीजन में और स्टर्नम के पोस्टीरियर रीजन में। यह लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव होता है जब कोई प्रीनेटल पीरियड, कोई क्या मतलब जब प्रीनेटल पीरियड पर्सन का होता है उसमें, और इन्फेंसी के दौरान ये लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव होती है थाइमस ग्लैंड, पर प्यूबर्टी के बाद इसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये थाइमस ग्लैंड दिखाई गई है, मतलब जन्म से पहले और जन्म के थोड़े समय तक ये बड़ी होती है, बाद में छोटी हो जाएगी। लिम्फेटिक टिश्यू की बनी होती है, लोब्यूल्स में सब डिवाइडेड रहती है। इमेच्योर सेल्स बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है, मतलब बोन मैरो में तो टी सेल्स बनेंगी और फिर वो ब्लड के द्वारा थाइमस में माइग्रेट हो जाएंगी। थाइमस में ये सेल डेवलप होकर के मेच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट होती है और सर्क्यूलेशन में, आपके ब्लड सर्क्यूलेशन में रिलीज होती है। थाइमिक हार्मोन टी सेल के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैच्योर टी सेल फिर ट्रैवल होकर के लिम्फ नोड, स्प्लीन और डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जाएंगे और जाकर के वहाँ रिजाइड करने लग जाएंगे, वहाँ रहने लगेगी और हमारे अंदर CMI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, या सेल मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थाइमस का रिमूवल थाइमेक्टॉमी कहलाता है, ये रिमूव किया जा सकता है, टी सेल प्रोडक्शन उससे कम हो जाएगा अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो जिससे आपको इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है, किसी पर्सन को इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाएगा अगर थाइमेक्टॉमी कोई पर्सन करवा ले तो।
स्प्लेनेक्टॉमी स्प्लीन का रिमूवल है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है। दूसरे ऑर्गन जैसे लीवर बोन मैरो कंपनसेट कर देंगे, अगर आपने स्प्लीन रिमूव कर दिया तो उसके कंपनसेशन के लिए आपके अंदर लीवर और बोन मैरो है, पर रिमूव करने के बाद ऑब्वियस है डिजीज़ के लिए ससेप्टेबिलिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, यानी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, लिम्फैटिक सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लिम्फैटिक सिस्टम अगर अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा, कि हो सकता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, जिसको अपन ब्लॉकेज कहते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो इसमें फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, इसको अपन लिम्फेडीमा कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि कोई स्कार टिश्यू उसके अंदर बन गया हो लिम्फ वेसल के अंदर या लिम्फ नोड के अंदर, और वो डैमेज कर दे लिम्फ वेसल नोड्स को, तो उसको अपन को सर्जरी के थ्रू रिमूव करना पड़ता है। सर्जरी के थ्रू आपने रिमूव करवाई हो कोई चीज़, रेडिएशन थेरेपी या इंजरी या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर इन्फेक्शन भी देखने को कई बार मिल रहा होता है इसके अंदर, या तो ये सर्जरी वजह से कुछ रिमूव करवाया, रेडिएशन थेरेपी कुछ लिया, तब भी हो सकता है कि ऐसी लिम्फेडीमा जैसी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिले। या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है थ्रेड वर्म का इन्फेक्शन, जैसे फाइलारियासिस, पढ़ा है ना फाइलारियासिस आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, हाथी पांव रोग दैट ब्लॉक्स द लिम्फैटिक डक्ट, लिम्फैटिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है, फाइलारियासिस कहलाता है। ये इस डायग्राम में लिम्फेडीमा दिखाया गया, हाथी पांव रोग है, देखिए ये लिम्फैटिक फाइलारियासिस, ये पूरी इसकी साइकिल बताई गई है, बड़ी करके पढ़ लीजिएगा। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाइस का कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मॉस्क्यूटो के थ्रू एंटर कर रहा होता है लिम्फेटिक में जाकर के, ये ऑर्गेनिज्म एडल्ट होता है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बनाएगा जो लिम्फ और ब्लड चैनल में चला जाएगा, मॉस्किटो फिर ब्लड लेगा तो ये मॉस्किटो में चला जाएगा, ऐसे करके इसकी साइकिल चलती है। ये एडल्ट वर्म जो है जब लिम्फेटिक वेसल में डेवलप होता है तो कई सीवर डैमेज कर देता है, जैसे स्वेलिंग कर देता है, एलिफेंटाइसिस हाथी पांव रोग जिसमें दर्द होता है बहुत पेनफुल, डिसफिगरिंग स्वेलिंग, एकदम वो पैर की जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत एबनॉर्मल सी स्वेलिंग आपको लेग्स में और जेनिटल ऑर्गन्स में दिखाई देगी। श्रीलंका वगैरह जैसे एरियाज में ये काफ़ी कॉमनली दिखाई देती है। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक फाइलारियासिस है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर्स फाइलारियासिस के। इन्फेक्शन हो सकता है भाई इसके अलावा लिम्फ में, जिसमें स्वॉलन लिम्फ नोड हो जाती है, क्योंकि लिम्फ नोड से इन्फ्लेम्ड हो गई है, सूजन आ चुकी है, कई बार लिम्फ नोड खुद जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, इसको लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो गया जो लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्रेड कर गया अपने ओरिजिनल साइट ऑफ इन्फेक्शन से लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया तो उसको लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। ये सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस दिखाया गया है भाई, ये ग्रैन्युलोमेटस लिम्फेडिनाइटिस है। अब नेक्स्ट कैंसर भाई ट्यूमर भी हो सकता है कि लिम्फेटिक डक्ट को ब्लॉक कर दे, जो मेटास्टेसाइज्ड हो रहा था लिम्फ नोड तक जा रहा था, वहाँ लिम्फ नोड के पास कोई ट्यूमर जाकर के फंस जाए तो फिर लिम्फेटिक फ्लूड का फ्लो जो है वो इंटरप्ट हो जाता है, उस नोड के थ्रू वो फ्लो नहीं हो पाता। रेयरली ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर खुद लिम्फेटिक सिस्टम में भी डेवलप हो सकता है, मेटास्टेसाइज तो कहीं और हुआ था और लिम्फ के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, और हो सकता है लिम्फेटिक सिस्टम का हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं लिम्फेंजियोसार्कोमा। सार्कोमा वर्ड जो है, सार्कोमा कार्सिनोमा ब्लास्टोमा ये सारे टर्म अपन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड ईयर में आप लोगों के वैसे आएगा ये, पैथोलॉजी में अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये लिम्फेंजियोसार्कोमा देखिए कितना खतरनाक सा भयानक सी कंडीशन है। बस इसके साथ आपका आज ये लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप व्हाट्सएप करिए, पुराने पेपर सॉल्व करिए, लिम्फ में से कोई क्वेश्चन आया अगर मैंने नहीं करवाया है तो आप मेरे को विद इन अ वीक वो क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप करिए, अपने सीआर को मुझ तक पहुँच जाएगा क्वेश्चन, तो आप बताइए मुझे। अभी देख लीजिए आपके पास 1 वीक का टाइम है, उसके बाद कोर्स हो जाने के बाद आप कहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना, तो आप अभी पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो। आज के लिए इतना काफ़ी है।